अगली खबर सिंगरौली से है, जहां देश ही नहीं विश्व के नक्शे में पहचानी जाने वाली ऊर्जाधानी सिंगरौली, जो एशिया में पावर हब के रूप में विख्यात है। यहां रिलायंस, एस्सार, हिंडाल्को, जेपी अडानी कंपनी से लेकर एनसीएल, एनटीपीसी के साथ ही कई दर्जन केमिकल और एक्सप्लोसिव फैक्ट्री हैं। एनसीएल भारत की मिनी रत्न कंपनी है, जहां नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड की दर्जन भर खदानों में ओबी ओवर बर्दन का टेंडर निजी कंपनियों को मिला है। निजी कंपनी में भी जिले के विस्थापित युवाओं, बेरोजगारों को कहीं कोई जॉब नहीं मिल रहा है, बल्कि निजी कंपनियां अपने अपने राज्यों से सीधा कर्मचारियों की भर्ती कर रही, जिससे आए दिन आक्रोशित कंपनी वालों और बेरोजगार युवाओं के बीच बवाल हो रहा है। एनसीएल नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड की निजी ओबी कंपनी बीपीआर में मोरवा थाना इलाके में कार्यरत है। उक्त कंपनी में स्थानीय विस्थापित युवाओं को रोजगार जॉब मिला था, लेकिन कंपनी दूसरे राज्यों के युवाओं की भर्ती कर बगैर किसी कारण के नौकरी से निकाल दिया। आक्रोशित युवा धरने पर बैठ गए हैं, फिर क्या था, निजी कंपनी के गुंडों ने बेरोजगार युवाओं को खूब जमकर पीटा और हंगामा बवाल के बीच मोरवा पुलिस पहुंची और तमाशबीन बनकर मामले को शांत कराते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। बेरोजगार स्थानीय युवाओं में भारी आक्रोश है कि अगर वह अपने धरती की निजी कंपनी में रोजगार नहीं मांगे तो जाए कहां। यह बड़ा सवाल जिले के जनप्रतिनिधियों के लिए गले की फांस बना हुआ है। ऊपर से ऊपर से आगे भाषा भैया गाड़ी अत्यंत शर्मनाक घटना है जो कल घटी है। यहाँ के युवाओं की ज़मीनें छीनी गई हैं। तमाम कंपनियां हमारे सिंगरौली ज़िले में स्थापित हैं। कहने को तो ये ऊर्जाधानी, भारत की ऊर्जाधानी है, इंडस्ट्रियल, पूरे एशिया का इंडस्ट्रियल हब है। अब ये प्रश्न, बड़ा प्रश्न है कि आखिर सिंगरौली का युवा इन कंपनियों में नौकरी मांगने न जाए तो जाए कहाँ। ओबी कंपनियाँ स्थापित हैं, तमाम अन्य कंपनियाँ भी स्थापित हैं, लेकिन ये जो कंपनी के प्रमुख हैं, इनके द्वारा बाहर से, अन्य प्रांतों से लोगों को लेकर के यहाँ रोज़गार दिया जा रहा है। यहाँ का युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। और सबसे बड़ा खेद का विषय है कि सरकार ने ये वादा किया था कि 70% रोज़गार यहाँ के स्थानीय युवाओं को मिलेगा, लेकिन देखने में ठीक विपरीत, उसके विपरीत स्थितियाँ यहाँ चल रही हैं। कि जिस तरह से अब तो जो है युवाओं को नौकरी मांगने पर निजी कंपनियाँ मारपीट पर उतारू हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं में भारी आक्रोश है। देखिए, कल ये देखने को मिला और ये शर्मसार कर देने वाली घटना है कि जो बाहर से कंपनियां, तमाम ओबी कंपनियां आई हैं, वो अपने निजी गुंडे पाल के रखी हुई हैं गेट पर, और पुलिस जो है वो तमाशचीन बनी हुई थी। कल वो तमाशा देख रही थी खड़े होकर के, और कंपनियों के गुंडे ये सिंगरौली क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के साथ मारपीट कर रहे थे। ये सबसे बड़ा खेद का विषय है। जब तक पारदर्शिता इन कंपनियों द्वारा नहीं लाया जाएगा कि इनको एक्चुअल में कितने युवाओं को रोज़गार देना है और सिंगरौली से कितने युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, ये पारदर्शिता के साथ पटल पर नहीं रखा जाएगा, तब तक ये समस्या जिले में एस्सार, रिलायंस, हिंडाल्को, जेपी अडानी की कई कंपनियां, एनसीएल, एनटीपीसी, तमाम सरकारी गैर सरकारी कंपनियों को होने के बावजूद युवा भटक रहा है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जनप्रतिनिधियों पर भी आता है। देखिए, निश्चित तौर पर जो ज़िले के जनप्रतिनिधि हैं वो उदासीन हैं, और जो एक परंपरा यहाँ पर देखने को मिली है कि लेटर पैड के माध्यम से जो नौकरियाँ कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो कंपनियों से साठ गांठ करके, गांठ बैठा करके जो बांटी गई है, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये अत्यंत तकलीफ और पीड़ादायक बात है कि ज़मीन यहाँ के लोगों की गई, आज न वो खेती कर पा रहे हैं, न उनके पास रोज़गार है, और रोज़गार मांगने पर उन्हें
कंपनी के गुंडों द्वारा पीटा जा रहा है और प्रशासन तमाशचीन बनकर के खड़ी हुई है। जनप्रतिनिधि एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं कंपनी के साथ उनका ये बड़े पैमाने पर साठगांठ है, जो क्षेत्र के युवा और क्षेत्र के लोगों के प्रति ये चिंताजनक विषय है। थैंक यू। सिंगरौली में न नेताओं का या जो है न समाज का असली उस पर ध्यान ही नहीं है और ये दिनों दिन बढ़ती हुई समस्या आगे चल के और भी गंभीर हो जाएगी। समस्या यहाँ पे ये है, स्किल डेवलपमेंट और प्लेसमेंट को यदि साथ में नहीं लाएंगे, इंटरप्राइजिंग अंडर CSR जैसी स्कीम यहाँ की कंपनियाँ नहीं चलाती हैं और लोगों को यहाँ जो अवसर हैं उनके लिए तैयार करके और उनको प्लेसमेंट नहीं करती हैं, तो ये समस्या गंभीर होती चली जा रही है और यहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है उनको उस दिशा में पहल करनी होगी। यहाँ का के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ की कंपनियों के उच्च अधिकारी हैं, उनको सही दिशा में काम करना होगा। और स्थिति वही है कि आप TV का मदरबोर्ड खराब है और आप जो है फ्यूज जोड़ने में लगे हुए हैं, तो ये समस्या दिनों दिन गंभीर हो रही है और स्थानीय स्तर पर जो बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है वो ना सिर्फ जीवन यापन के लिए चुनौती है, आने वाले दिनों में उद्योग चलाना भी मुश्किल हो जाएगा और कानून व्यवस्था की के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होगी। क्या मानते हैं कि जहां ओझाधानी एशिया में पावर हब के रूप में जाना जाता है, वहां के बच्चे, यहां जो रहने वाले लोग हैं, जो युवा है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, जॉब नहीं मिल पा रहा और जॉब मांगने जाते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा लोगों में, युवाओं में बड़ा आक्रोश है। बिल्कुल, ये तो हमने भी कल सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से देखा कि एक कंपनी में रोजगार मांगने गए लोगों के साथ मारपीट की गई। तो ये समस्या मैं बता रहा हूँ ना कि आने वाले दिन में ये कठिन चुनौती बनने वाली है और बाहर से आने वाले जो भी रोजगार के अवसर हैं, क्यों नहीं यहाँ की कंपनियाँ यहाँ के लोगों को स्किल डेवलपमेंट और उनका कौशल उन्नयन करती हैं और उनको प्लेसमेंट से क्यों नहीं जोड़ती हैं? ये बहाना बना के कि ये यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हमारे इन कंपनियों के इन उच्च मशीनों, उच्च क्षमता की मशीनों को चलाने के लायक नहीं है, तो उनको चलाने के लायक बनाइए ना भाई, आपको तो बनाना होगा। तो मानते हैं कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बेरोजगारी का मुद्दा कल को इसी तरह बड़े कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगा और दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं सामने आएंगी। थैंक यू सर।